ओके सो फ्रेंड्स, हम जो देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स है एंड उसमें आपको क्वेश्चन है कट एंड स्टिच सिगार पैंट. तो कटिंग स्टिचिंग हमने देखा है. डू द ड्राफ्ट ऑफ द सिगार पैंट. सो ड्राफ्टिंग और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है वो प्रोसीजर हम यहाँ पे देख रहे हैं. सो उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपको इस प्रकार से करना है. सो एक बड़ा सा आपका ड्राइंग शीट ले लो, उस पर आप ऐसी बॉर्डर करके ऊपर क्वेश्चन लिख लो, देन ऊपर आपका सीट नंबर आपको लिखना है. सिगार पैंट का ये फर्स्ट हम जो ड्राफ्टिंग्स करते हैं तो वहाँ पे स्केच होना ज़रूरी है. तो स्केच लिखो, स्केच में प्रॉपरली फ्रंट एंड बैक साइड दोनों सेम आपको अच्छे से बनाने हैं. फ्रंट व्यू बैक व्यू लिख लो, जो भी डिटेलिंग है जैसे पॉकेट है, बॉटम आप किस तरह से आपका डिज़ाइन होगा वो आप बना लो. देन इस मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर लिखना है. अगेन नीचे आपने देखा है ड्राफ्टिंग लिखा है और डिस्क्रिप्शंस. सो जो भी पैंट हम बनाने वाले हैं उसका ड्राफ्टिंग डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे करना है. सो ये जो पेज पे हम जो बनाते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है ना, एक रफली ऐसे ड्राफ्ट बना लिया करो. सो वो बहुत जल्दी और इजीली हो जाता है. सो जैसे ज़ीरो ये स्केच और उसके अकॉर्डिंग क्या ड्राफ्ट होगा तो वो हम यहाँ पे रफली डायग्राम बना लेते हैं. सो दैट क्या है कि जल्दी जल्दी आप उसी तरह से बना सकते हो. सो जैसे 0 to 1 ये मैंने लिखा है कि लेंथ प्लस 1, 0 to 2 ये होगा मेरा सीट, 4 होता है ये डिस्टेंस. फॉर्मूला आपको अगर पता है सो ये जो होगा ये वेस्ट 4 प्लस 2.5, सीट 4 प्लस 2.5, ठीक है. सो इस तरह से इस पे आप बना लो सो दैट आप फाइनल करोगे तो जल्दी हो जाता है. तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है देखो कि एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है. हमेशा हम जो ड्राफ्टिंग करते हैं उस पे क्या करते हैं, स्केल से पहले तो सबसे पहले सीधी लाइन किया करो. अब इस पे आपको क्या करना है, 0 पॉइंट मार्क करो. सो 0 to 1 ये जो डिस्टेंस लेना है ये हमारा होगा पैंट लेंथ, ठीक है, प्लस 1. सो फॉर्मूला हमने लिखा है देखो डिस्क्रिप्शन में, 0 to 1 हमने लिया है पैंट लेंथ प्लस 1 सेंटीमीटर. सो वो कितना आता है, सो जैसे 36 है पैंट लेंथ और प्लस 1, सो 37 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से इतना हमें लेना है. 1/4 स्केल से आप ये कर लेना. उसके बाद यहाँ पे ये जो है 0 to 2 ये डिस्टेंस आपको लेना है 1/4 ऑफ हिप. ये जो होता है ना, ये होता है यहाँ से इतना सीट या हिप का 4th पार्ट, मतलब जो भी आपको हिप का डिस्टेंस दिया है उसी को सीट कहा जाता है. तो वो जो है 50 है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, मतलब इसका 50 का 4th हिस्सा. सो वो आता है 12.5 मेरा यहाँ पर आएगा. सो 12.5 सेंटीमीटर मैंने ये 0 to 2 लिया है. उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे है देखो. सो ये जो लिया है 3 तो कैसे आया है 0 to 3. सो आपके पास अगर नी लेंथ का मेजरमेंट है तो वो लिया करो, अगर नहीं है तो सिंपल थिंग होती है ये जितना आया है 0 to 2 उतना रिपीट कर लो यहाँ पे. जैसे 12.5 है तो वही आप यहाँ पे अगेन ले लो, या तो फिर यहाँ से ये जो होता है 1 to 2 उसका सेंटर लिया तो भी चलता है. ये दोनों वे है नी लेंथ के लिए. सो ये 3 मैंने लिया है, जैसे यहाँ पे लिख दिया है मैंने देखो. तो मैं एक तो 12.5 ले सकती हूँ 12.5, या तो फिर मैं इसका मिड पॉइंट ले सकती हूँ, वॉट एवर. उसके बाद है 0 to 4 लिखा है यहाँ पे. सो ये है 1/4 ऑफ वेस्ट. सो ये ऊपर का डिस्टेंस लेना है हमें, वेस्ट 4 मतलब कमर का 4th हिस्सा. कमर का जो डिस्टेंस है 40 है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है. सो 40 / 4 होता है 10 और प्लस 2.5. सो ये भी 12.5 आने वाला है आपका डिस्टेंस. उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है सीट 4 मतलब हिप 4 प्लस 2.5, ठीक है. सो ये जो है 12.5 प्लस 2.5 आपको करना है तो ये आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. और आपको क्या करना है, ये 4 हो गया, 5 हो गया. अब आपको 4 to 5 जो है, 4 से लेके यहाँ तक नीचे आपको सीधा ऐसे डॉटेड लाइन ज्वाइन करना है. ये होगा आपका 6th नंबर, हम इसको लिख लेंगे, कुछ नहीं किया है ये. सो इट इज़ जस्ट स्ट्रेट ज्वाइन करना है. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 to 6 जॉइंट स्ट्रेट. या आप पेन से लिखा करो या तो फिर पेंसिल से लिखा तो भी चलता है, बट सिस्टमेटिक लिखना, मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए. अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो भी डिस्टेंस है उसका सेंटर पॉइंट लो
और वो लाइन आपको सीधा नीचे तक लेना है, इसको क्रीज लाइन कहते हैं। सो ये पैंट्स में आता है, सो दिस इज़ द क्रीज लाइन। ओके, ओके, सी यहाँ पे ये सीधा मैंने यहाँ पे जॉइन किया है, क्रीज लाइन क्या कहा जाता है इसे। तो मैं इसे ए नंबर लिखती हूँ और बी, सो ए टू बी मैंने सीधा जॉइन किया है, इसको सेंटर यहाँ पे सी लिख लेती हूँ मैं। अब आपको डिस्टेंस क्या लेना है, देखो यहाँ पे ये जो है बी से यहाँ पे आपको लेना है हाफ बॉटम, यहाँ पे हाफ को लेना है 1/4 नी। उससे पहले हम ये ऊपर का क्रॉच पोर्शन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका 6 नंबर हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर अप, 4 से 7 लिखती हूँ मैं, 3 सेंटीमीटर अप। सो 4 to 7, 3 सेंटीमीटर अप। ये सिर्फ अगर सिगार पैंट है इसलिए हम ये बढ़ा रहे, बाकी पैंट्स में ये नहीं होता है। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर ले लिया, और यहाँ पे ये जो 5 है यहाँ से 3 सेंटीमीटर डाउन। सो इसको मैं 8 नंबर लिख लेती हूँ, 5 to 8, 3 सेंटीमीटर डाउन। ओके, सो इतना हो गया। अब इसे जॉइन करना है। ओके, सो ये 3 सेंटीमीटर अप हमने लिया है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे डाउन लिया है। अब आपको है ना यहाँ से इसे क्रॉस यहाँ तक आपको ये लाइन जॉइन करना है। अब ये जो 7 है यहाँ से मैं ये नंबर मार्क करती हूँ 9 नंबर। यहाँ पे आपको लेना है 2 या 3 सेंटीमीटर। सो 7 to 9 मैं 2 सेंटीमीटर्स लिखती हूँ इनसाइड। अब क्या करना है आपको, इसको इस तरह से क्रॉच को कर्व शेप में जॉइन करना है यहाँ पे। ओके, यस, सो ये लाइन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसी क्रॉस लाइन लेनी है, और ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये देखो ऐसे थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पे आपको लेना है 9, 10 नंबर मार्क करती हूँ। ये होगा आपका वेस्ट 4 + 2.5, ये जो डिस्टेंस है अगेन आपको यहाँ पे भी लेना है, क्योंकि ये पैंट ऐसे कट होने वाला है, तो ये आपका कमर का हिस्सा है। तो वेस्ट 4 + 2.5 हमने यहाँ पे लिया था, वही मेजरमेंट आपका यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। सो 9 से 10 मैं लिखती हूँ वेस्ट 4, 1/4 ऑफ वेस्ट मतलब कमर का चौथा पार्ट + 2.5 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या करना है, ये जो क्रीज लाइन हमने लिया है तो सी, और यहाँ पे 10 हो गया है तो मैं 11 नंबर लिखती हूँ, ये 12 नंबर लिख लेती हूँ। सो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा हाफ नी राउंड लेना है। सो सी टू 11, सॉरी 1/4 ऑफ नी राउंड, और सी टू 12 वो भी सेम होगा 1/4 ऑफ नी राउंड। अब नी राउंड का मेजरमेंट अगर आपके पास नहीं है तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, यहाँ से आपको क्या करना है कि वेस्ट का जितना ये जो डिस्टेंस आया है उससे 4 to 5 सेंटीमीटर कम ले लेना। मतलब ये अगर 12 है तो ये आपको 6 या 7, 7 to 8 ले लेना है। तो मैंने ये साइड 5 सेंटीमीटर ऐसे करके लिया है। ओके, तो ये शेप आपका यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद नीचे आपको लेना है बॉटम फोर्थ। सो ये नी राउंड का 4th पार्ट था। सो यहाँ पे मैं 11, 12 नंबर हो गया, तो सो 13 and 14 लिख लेती हूँ। सो B2 13, 1/4 ऑफ बॉटम, और B2 14 सेम 1/4 ऑफ बॉटम। और आपको क्या करना है, इन्हें इस तरह से इसे जॉइन कर लेना है। सिगार पैंट में बॉटम आप यूजुअली जितना लेते हो नॉर्मल पैंट्स में उससे काफ़ी कम लेना है, चूड़ीदार से थोड़ा लूज और शलवार से कम लेना है, एंकल राउंड और एंकल राउंड से थोड़ा सा लूज आपको लेना है। और इसका लेंथ जो होता है शॉर्ट होता है, पैंट लेंथ आप शॉर्ट लिया करो, एंकल से थोड़ा ऊपर लिया तो भी चलता है, या एंकल तक आपको मेजरमेंट लेना है। सो इस तरह से ये डायग्राम आपको दिखने वाला है।
आप इसी तरह से कटिंग कर लेना। अब ये जो है दिस इज़ द फ्रंट साइड, बैक साइड में सिर्फ यही चेंज होगा कि बैक में ये जो शेप है ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से ये ऐसे करके यू जस्ट गिव द शेप यहाँ तक फिफ्थ तक, और ये फाइव की लाइन इस तरह से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। सो दिस विल बी ऐसे और ऐसे करके ये होगा आपका बैक साइड। अगर आपको ये क्रॉस ऊपर लेना नहीं आता है तो छोटे बच्चों का अगर है तो वहाँ पे हम ये फ्रंट एंड बैक सेम भी रख सकते हैं, जैसे 4 to 5 को ऐसे ज्वाइन कर लो, बाकी एज इट इज़ तो भी चलता है। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिगार पैंट। फ्रंट एंड बैक साइड हमने देख लिया, सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। सो इस प्रकार से आपको पेपर जो है उसमें आपको प्रेजेंट करना है। ये जो स्केच होगा उसे आप क्या करना, अच्छे से कलर कर लेना, ठीक है। कलरिंग के लिए आप अच्छे से करना है, इट मीन्स कि नॉट पोस्टर कलर्स वगैरह से आपको उसे कलर करना है। सो यूज़ द पेंसिल कलर्स होगे आपके पास, या जो भी आप फास्टली कर सकते हो उससे आप उसे कंप्लीट कर लो। बहुत ज़्यादा भी कलरफुल नहीं करना है, यू जस्ट हाईलाइटिंग उसे कर लो, या नहीं किया तो भी चलता है। बट एज यू आर अ डिज़ाइनर सो एवरीवेयर कुछ तो आपको अच्छे से ही प्रेजेंटेशन करना चाहिए। पीछे इलास्टिक लगने वाला है तो यहाँ पे ये इलास्टिक का इफेक्ट दिखा दो, गैदर्स होगा बैक में। पॉकेट को हाईलाइट कर दो। इफ़ अगर आप उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी या ऐसी कोई चीज़ करने वाले हो, पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी या वॉट एवर एम्बलिशमेंट या एक्सेसरी लगाने वाले हो, तो वो भी आपको स्केच में दिखा देना है, एंड यू हैज़ टू मेंशन कि वो क्या है। सी बहुत ही कम टाइम में हमने ये ड्राफ्टिंग कर लिया है। सो अगर आपके एग्ज़ाम में आप इस तरह से करते हो तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। पहले तो मैंने बताया जैसे कि क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको टाइम मैनेजमेंट कर लेना है कि 3 hours है तो उसमें आप पहला कौन सा क्वेश्चन करोगे, उसको कितना मार्क्स है। सो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन मैं पहले करने वाली हूँ क्योंकि थर्ड क्वेश्चन 20 marks को है सिर्फ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग इस प्रकार से आपको कर लेना है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखो। सेम बड़े साइज़ में आपको करना है, ये 1/4 से किया है, बड़े मेजरमेंट्स यूज़ करके आप उसका पेपर कटिंग कर लो। सो जैसे हमने ये पेपर कटिंग किया था मेजरिंग टेप यूज़ करके, सो ये पेपर कटिंग्स को भी आपको फेंकना नहीं है, संभाल के रखो। उन पे भी आप ऐसे मेंशन करो फ्रंट एंड बैक साइड, उसके कितने पीसेस कट करने वाले हैं वो भी मैंने बता दिया है, आपको समझाया है। क्योंकि फाइनली हम जो गारमेंट बनाने वाले हैं तो वो गारमेंट के साथ हमें ये सबमिट करना होता है, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। ये आपका गारमेंट रेडी हमने किया था तो आप ये भी वीडियो देख लेना कि ये सेम सिगार पैंट कैसे स्टिच करना है, वो पूरा मेथड मैंने दिखा दिया है, विद द पॉकेट कैसे करना है, फिनिशिंग कैसे करना है, डिज़ाइनिंग कैसे करना है, वो सब डिटेल्स हमने किए हैं। सबमिशंस से पहले हमें आइनिंग करना है अच्छे से, पेपर पैटर्न फेंकना नहीं, संभाल के रखो। उस पर भी सीट नंबर मेंशन करो, गारमेंट को लेबल लगाना है। देन ये आपका होगा स्केचिंग का पेपर, मतलब ये डिस्क्रिप्शन एंड ड्राफ्टिंग हमने यहाँ पे लिखा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन।